पॉलिटी में दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक तो होता है उनका डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और एक होता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। आपके पास दो तरह के एक्सपेरिमेंट है, प्रोबेबिलिटी की बात मत करो, यहाँ पर अपन बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होगा प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब है जिनके रिजल्ट्स आर फिक्स, इनके रिजल्ट्स चेंज नहीं होते। जैसे एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनके रिजल्ट आपके चेंज नहीं होते। अब आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत तो चेंज आता है, वो थोड़ा बहुत जो चेंज आता है वो आपका एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से चेंज है। जिनके रिजल्ट फिक्स नहीं, रिजल्ट्स आर नॉट फिक्स। जैसे एग्जांपल थ्रोइंग ऑफ डाइस, भाई आपने डाइस को थ्रो किया तो हर बार ऐसा नहीं कि नंबर थ्री आएगा या नंबर फोर आएगा, कुछ भी आ जाएगा। टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन, कॉइन को टॉस करने पे आप ये नहीं बोल सकते सर ए डी है, कुछ भी आ सकता है। तो उसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिनके रिजल्ट फिक्स नहीं हो। नाउ इवेंट्स, कुछ नाम बता रहा हूँ, इवेंट इवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो इवेंट और वन ऑफ इट्स आउटकम्स, वन ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अभी समझा रहे थे, वन ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया उसका कोई भी एक आउटकम, उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इन टॉसिंग अ कॉइन, इसके आउटकम्स हैं भाई, भाई बताओ कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आएगा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इस तरह से लिखा जाता है आउटकम्स। ये क्या कहलाता है आउटकम्स, जिसको हम बोल सकते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोल सकते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब जितने भी केस आ रहे हैं सब आउटकम। इवेंट सब मैंने इवेंट ए, मैंने इवेंट डिस्कस किया हेड, ये क्या होता है ऐसा, ये कोई भी एक आउटकम या ऐसा इवेंट, इनमें से जो भी आउटकम आ रहा है उसका कोई भी एक इवेंट, उसको हम क्या बोलेंगे इवेंट बोलेंगे, कोई भी एक आउटकम उसको इवेंट बोलते हैं। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन आउटकम्स हो गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और ये आउटकम्स को क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस, आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। और देखो और एग्जांपल है, इन थ्रोइंग अ डाइस इन थ्रोइंग अ डाइस, सैंपल स्पेस इक्वल
1 2 3 4 5 6 भाई यदि आप डैश को थ्रू करोगे तो सिंपल सिक्स का होगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स। अब मेरे को कोई भी इवेंट इवेंट बनाना है, जैसे मैंने इवेंट टाइम बोलो गेटिंग ओन नंबर, ये है कि इसका इवेंट तो ओन नंबर क्या क्या आएंगे भाई। सपोज इवेंट भी एक और इवेंट बनाते तो गेटिंग प्राइम नंबर, बोलो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 क्यों बेटा 2 3 5 तो ये इवेंट के लाभ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ए पी ए प्लस पी नॉट ए, ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इनका सम क्या है, वन है। किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच द क्रिकेट मैच 0.53। अब मैं यही मान के चल रहा हूं कि या तो वो जीता होगा या हारा होगा, तो पी इंडिया लूजिंग द मैच क्या आएगा भाई, इंडिया लूजिंग द मैच जतिन के क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 0.4। ऐसे आना प्लस नहीं आना वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब जैसे पार्थ के क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, कम है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 0.9 ऐसे बोलेंगे। समझ में आ गया ना, एग्जाम्पल से समझ में जल्दी आता। अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पार्ट को क्लास में छोड़ के भागने की प्रोबेबिलिटी बीच क्लास में 1 1 1 पार्ट ही नहीं है और भी है, किसान है, ये सब गायब हो जाते हैं बीच में, और भी बहुत सारे हैं कम थोड़ी, कोई बात नहीं, अभी एक दो दिन की बात है, फिर ऑफलाइन आओगे काम आओगे। चलिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है भाई, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
total number of possible outcomes. Total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. Just an example, in tossing a coin, guy throwing a dice. Find the probability of getting an even number. मुझे probability निकालनी है कि even number आ रहा है. तो total number of possible cases 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो total number of possible cases कितने हैं? 6. अब even number क्या क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से? 2, 4, 6. तो total number of favorable cases 3. So therefore, P even number is equal to 3 by 6. Kitna aa gaya? 1 by 2. So iski probability ho gayi beta 1 by 2. 1 by 2. अब जो प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कौन बताएगा? 1. और मिनिमम 0. तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इस तरह से होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1. यदि P इक्वल टू 1 है तो इसको हम बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट. भाई पक्का है 100% कि ये तो होना ही है. 100% के लिए हम प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं? 1. पक्का है, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. P इक्वल टू 1 श्योर और सर्टेन इवेंट. P इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल इवेंट. पॉसिबल ही नहीं हो रहा है. इम्पॉसिबल इवेंट. तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो हम उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? श्योर या सर्टेन इवेंट. पक्का है ये तो होना ही. अब आपको क्या है, ये तो जनरल है. अब आपको जो आपको कोर्स में बड़ा इजी सा काम, हम ये बोलेंगे आपके जो क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि जैसे एक डैश को मैंने 100 बार फेंका, हेड आ रहा 75 बार, टेल आ रहा 25 बार, तो बताओ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप बोला 75/4 ऐसे. बस इतना सा काम करना. तो वो कल एक्सपेरिमेंट पे बेस होगा कि भाई इतने सारे आपने इतनी बार थ्रो किया, हेड कितनी बार आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है. जैसे एक एक्सीडेंट, एक गाड़ी है उसमें आपने टायर जो है खराब होने की 1000 किलोमीटर से पहले इतने टायर खराब हो रहा है, 1000 से 2000 के बीच में इतने टायर रिप्लेस किया, खराब हो रहे तो रिप्लेस किए, 2000-3000 किलोमीटर के बीच में इतने टायर रिप्लेस किए इतनी गाड़ियों में, तो बताइए कि बताओ 2000 से 3000 के बीच की क्या प्रॉबिलिटी है? तो वो जो भी जितने टायर रिप्लेस किए अपॉन टोटल, तो वो आपका आ जाए. इस तरह के क्वेश्चन तो बड़ा इजी सा काम है, कल कल में आराम से हो जाएगा. कल की क्लास का टाइम अपन ने क्या डिस्कस किया? 9 to 10. ठीक है, चलो.